बांग्लादेश एक बहुत बड़ा वार्निंग बेल है, जहां हिंदू घटेगा वहां क्या हो सकता है। मैं दिवाली की मंगल कामनाएं दे रहा हूं उस धरती पर दे रहा हूं, जो धरती कई हिंदू विरोधी शक्तियों के टारगेट में रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन हिंदू समाज को बांग्लादेश का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम संगठित नहीं रहे, अगर हम एक नहीं रहे, अगर हम स्वाभिमान के साथ खड़े नहीं रहे, तो वो प्रदेश जो कभी पूर्वी बंगाल के रूप में था, वहां आज हिंदू की क्या स्थिति हो गई है। कभी हिंदू मेजॉरिटी था, वहां हमारे शक्तिपीठ थे, आज वहां हिंदू कैसी दयनीय स्थिति में है। लेकिन साथ साथ एक सबक भी है, इन सब अत्याचारों के बावजूद वहां का हिंदू रो नहीं रहा है, वहां का हिंदू चुनौती के रूप में खड़ा है, बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए अड़ा हुआ है, एक संकल्प लिया है वहां के हिंदू ने, पलायन नहीं पराक्रम। मैं दोहराता हूं इसको, पलायन नहीं पराक्रम, और उस पराक्रम के साथ खड़ा है। उन्होंने हमसे कुछ अपेक्षाएं की थी, हमने एक हेल्पलाइन नंबर वहां जारी भी किया था, बांग्लादेश में भी और सीमांत क्षेत्रों में भी, अगर कोई ऐसी खबर मिलती है हमको बताएं, केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके हम वहां की सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हिंदुओं की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वहां के चीफ जस्टिस का भी उन जेहादियों ने घेराव किया। जिस प्रेसिडेंट को वो स्वयं लेकर आए हैं, उस प्रेसिडेंट हाउस का घेराव कर लिया। वो किसी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं जेहादी, और जब वो अपनी पर उतरते हैं तो किसी भी तरह की मर्यादा को नहीं जानते। तो ये चिंतन का भी अवसर भारत के लोगों के लिए है, और मैं समझता हूं भारत इससे सबक सीखेगा। यह एक स्लोगन नहीं है, वोकल फॉर लोकल, यह एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। क्रांति सरकारों से नहीं आती, क्रांति समाज से आती है। सरकार प्रतिबंध भी लगा देगी तो क्या हो जाएगा, लगाया भी है कई चीजों पर। यहां के समाज को संकल्प लेना पड़ेगा, हमें सामान खरीदना है यहां की स्थानीय मार्केट से, और मार्केट में भी वो सामान लेना है जो भारत में बना। दिवाली का सामान उनसे लेना जो दिवाली मनाए, हमारे पैसे का उपयोग दिवाली को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए, या देश को समाप्त करने के लिए हो, मुझे लगता है वो दिवाली हमारे लिए मंगलकारी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस क्रांति का जनक पूर्वोत्तर बन सकता है, क्योंकि यह क्या है जो नहीं बनता। एक कंप्लीट इकोनॉमी है पूर्वोत्तर की, और इसलिए आप यहां का बना हुआ सामान खरीदें। अपनी पूजा के अंदर प्रयोग आने वाला सामान वही होना चाहिए जो भारत के अंदर बना हो, भारतवासियों के लिए बना हो, और दिवाली की पवित्रता को ध्यान में रखकर बना हो। मैं ये वाक्य बड़ी जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि आज पूरे देश में जिस प्रकार के उत्पादन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। कहीं थूक डालकर, कहीं और चीजें डालकर, ये उचित नहीं है, किसी भी सभ्य समाज का परिचायक नहीं है। लेकिन उनका जवाब यही होगा, हम उनका सामान लेना बंद करें कि जो थूक लगा कर देगा हम वो सामान नहीं लेंगे। तो इसलिए दिवाली का सामान वहीं से जो दिवाली मनाए। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।